जनपद बिजनौर में दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के रामलीला मैदान में रावण और कुंभकर्ण के ऊंचे ऊंचे पुतलों का दहन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस के अधिकारियों ने रामलीला मैदान पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 130 साल पुरानी रामलीला मैदान में ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद है। असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार मनाया गया। रामलीला मैदान के बाहर कई तरह की दुकानें भी लगी हुई थी। लोग वहां पर खरीदारी कर रहे थे। रामलीला कमेटी का कहना है कि रामलीला मैदान में तैयारी पूरी कर दी गई है। दशहरा का लाइव प्रसारण अभी तक चैनल द्वारा किया गया। मैदान में इस बार मंदिर और नया भवन बनाया गया, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। वहीं जिले भर में दशहरा के मौके पर 85 जगहों पर रावण और मेघनाथ के पुतलों को दहन किया जाएगा। बता दें कि चांदपुर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, बिजनौर में दशहरा मेला का आयोजन बड़े स्तर पर होता है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर दशहरा मेला लगता है। इन मेलों में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। वहीं भीड़ को देखते हुए शहर के रामलीला मैदान में आसपास से भारी वाहनों के गुजरने पर पाबंदी रही। ब्यूरो रिपोर्ट।